नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल क्रिक इन्फो इंडिया पर स्वागत है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने 1-1 से सीरीज में बराबरी कर ली। लिंडल सिमंस, इवन लुइस और निकोलस पूरन की तूफानी पारी के चलते वेस्टइंडीज ने 171 रनों का पीछा करते हुए 18.3 ओवर में ही मैच जिता दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गवा के 170 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा रन बनाए। शिवम दुबे ने 30 बॉलों में 54 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 33 रन बनाए, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं पिछले मैच के हीरो विराट कोहली भी आज सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत अच्छी रही। टीम इंडिया की खराब फील्डिंग के चलते उनके ओपनर इवन लुइस 40 रन बनाकर आउट हुए। वहीं उनके साथी सिमंस 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लुइस के आउट होने के बाद आए सिमरन हेटमायर ने आने के बाद रनों की गति को चालू रखा। उन्होंने पारी में 3 छक्कों की मदद से 23 रन बनाए और 4th छक्के की कोशिश में बाउंड्री पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे। उनके बाद आए बैटिंग पर निकोलस पूरन ने 38 रनों की तूफानी पारी खेली और वेस्टइंडीज टीम को जीत दिला दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खेल से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे क्रिक इन्फो इंडिया के साथ। Thanks for watching this video. Please drop a like and comment. Also, don't forget to subscribe this channel, Crick Info.